नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमने इनको गुणा करके नहीं देखना, मगर बिना गुणा किए हमने इनका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम इसमें करेंगे वो करेंगे 103, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देंगे तो ये बन जाएगा 100 + 3, क्योंकि 100 में 3 प्लस करके 103 आता है। बीच में है गुना गुना, आगे है 107। कोशिश ये करनी है कि ये जो नंबर्स दिए हों ये हमेशा ही 100, 200, 500 या 1000 के आसपास होंगे, या उनमें कुछ प्लस होकर या उनमें कुछ माइनस आकर बनते होंगे। तो हमने इनको हमेशा ऐसे ही बनाने की कोशिश करनी है। जैसे 107 है, इसको हमने लिखना है 100 + 7। कोशिश ये करनी है कि जो यहां पहले नंबर पर आया हो वही यहां पहले होना चाहिए। इससे क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखो ध्यान से, अब ये बन गया, मान लो 100 को हम माने x, प्लस 3 को मान लेते हैं a, यहां भी 100 को मान लेते हैं x, 100 तो x है ही है, और 7 को मान लेते हैं b। तो ये हमारे पास एक सर्वसमिका बन जाएगी, x प्लस a इंटू x प्लस b, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर। ये हमने सर्वसमिका पढ़ी है, आशा करता हूं आपको याद होगी। ठीक है, तो इस सर्वसमिका के साथ हमने अपना क्वेश्चन मिलाना है। तो हमारे पास 100 + 3, ये ऊपर वाला, गुना 100 + 7, ये किसके बराबर बना। अब ध्यान से आपने देखना क्या है, एक्स किसके बराबर है 100 के, ए किसके बराबर है 3 के, बी किसके बराबर है 7 के। बी किसके बराबर है बच्चों, 7 के बराबर है। ये वैल्यूज हमने यहां इस राइट साइड में भरनी है। एक्स की जगह 100, तो एक्स का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए, ए किसके बराबर है 3 के, प्लस बी, बी किसके बराबर है 7 के, इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर है 100 के, प्लस ए बी, ए है 3 और बी है 7, ए बी मतलब ए गुना बी, तो 3 × 7। अब हम ये राइट साइड को यहां सॉल्व कर रहे हैं। 100 का स्क्वायर, गुना करने की जरूरत नहीं है, 100 का स्क्वायर कभी भी ऐसे हो, 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर, तो क्या करना, 1 × 1 होता है 1, 2 जीरो है तो इसको डबल करके लिख दो, 2 ये 2, तो 100 का स्क्वायर बन गया 10,000। ये इसका तरीका है। आगे देखो ध्यान से, 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है 10, 10 को 100 से गुना कर दिया, 10 × 100 = 1000, प्लस 3 × 7, 3 × 7 कितना होता है 21। अब आप चाहे तो इसको एक के नीचे एक करके लिख सकते हैं। सबसे पहली संख्या है 10,000, दूसरी संख्या है 1000, तीसरी संख्या है 21, इनको प्लस कर दो, 0 में 1 + 1, 0 में 2 + 2, 0 में 0 + 0, 1 में 0 + 1 और 1, तो हमारे पास संख्या आ गई 11,021। ठीक है बच्चों, यही जो 11,021 है यही इसका मान है 103 × 107। ठीक है, उन्होंने कहा था सीधे गुना नहीं करनी, तो हमने गुना नहीं की, हमने 103 को लिखा 100 + 3, 107 को लिखा 100 + 7, इन्हें हमने सर्वसमिका का प्रयोग करके 100 + 3 × 100 + 7 बराबर x² + a + b × x + ab इसके बराबर रखकर इसको आगे हल करके निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और इसे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख सकें। और आप लाइक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। धन्यवाद।